जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न करें। इंसान की अकड़ वाजिब है जनाब, पैसा आने पर तो बटुआ भी फूल जाता है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो ये 5 चीज़ें आज से और अभी से छोड़ दीजिए। पहला, सबको खुश रखना। दूसरा, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना। तीसरा, अतीत को याद करना। चौथा, खुद को किसी से कम समझना। और पांचवा, बहुत ज़्यादा सोचना। क्योंकि सोचे सोचना हो वही जे सोची लखवार, होगा तो वही जो मंजूरे खुदा होगा। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। जब आप अपने काम से काम रखने लगते हैं तो दुनिया आपको घमंडी समझने लगती है। और मैं घमंडी नहीं हूँ, मैंने आपके लिए बनाई है मैंगो आइसक्रीम कप्स। गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा ठंडा होना चाहिए। बातों में गुम हो गए हो तो फिर से जाइए और फिर से वीडियो को वॉच कीजिए कि आइसक्रीम की रेसिपी कैसे बताई है। और रानीज़ किचन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये वाली कप आइसक्रीम तो बहुत इजी है, बस कप्स में बना के आइसक्रीम जमा लीजिए और अपने मनपसंद फ्रूट को मैश करके उस पर ये आइसक्रीम कप्स ऐड कर दीजिए। और इसे थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे आपकी मनपसंद चॉकलेट चिप्स या चॉकलेट सिरप के साथ। आधा आधा और देते हैं, आधा आधा कप का वादा। कप को फुल भी तो करना है, आइसक्रीम है, थोड़े से तो मन भरता नहीं। चलिए आप जल्दी से बनाइए, खाइए और खिलाइए। मुझे जाना है एक और इजी वाली रेसिपी की खोज करने। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। और मैंने अपना ख्याल रखना है ये 3 कप वाली आइसक्रीम खाके। और अगर आपको मेरे साथ ही खानी है तो रेडी हो जाइए और जल्दी से आ कीजिए। थैंक यू।